शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से दुनिया भर में दहशत का नया साया। महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट पर, कल से शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू। कल से महाराष्ट्र के नगर निगमों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह निर्णय ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर ही लिया गया है। उद्धव सरकार के नए आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। यह 5 जनवरी 2021 तक चलेगा। कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी थमा नहीं है। क्रिसमस न्यू ईयर जैसे त्योहारों को देखते हुए इसके और बढ़ने का अंदेशा लगाया जा रहा है। इसी वजह से कई राज्य सरकारों ने अभी से ही एहतियात कदम उठाने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में सामने आए कोरोना के नए स्ट्रेन से भी सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कल से महाराष्ट्र के नगर निगमों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह निर्णय ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर ही लिया गया। उद्धव सरकार ने नए आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। यह 5 जनवरी 2021 तक चलेगा। महाराष्ट्र सरकार के CM उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिसके बाद राज्य के कुछ हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। इसके साथ ही उद्धव सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अब यूरोपीय देशों और मिडिल ईस्ट के देशों से आने वाले यात्रियों को कल से अनिवार्य इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन से गुजरना होगा। यानी एक नए अवधि तक उन सभी यात्रियों को सरकारी व्यवस्था की देखरेख में रहना होगा, उसके बाद ही वो अपने घर जा सकेंगे। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर ब्रिटेन में हाहाकार मचा हुआ है। भारत सहित करीब एक दर्जन देशों ने ब्रिटेन के साथ हवाई सेवाएं स्थगित कर दी है। वहीं दूसरी ओर डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के साथ साथ डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली में नए कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। ब्रिटेन से एक यात्री रोम पहुंचा था, जिसकी वजह से इटली में नया कोरोना वायरस पाया गया। फ्रांस में भी नए वायरस को लेकर चेतावनी दी गई। फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ आवाजाही पर रोक लगाते हुए कहा है कि संभवतः उनके यहाँ भी नया कोरोना वायरस पहुँच चुका है। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, गृह मंत्री अनिल देशमुख, गृह राज्य मंत्री सतीश पाटिल और शंभुराजे देसाई उपस्थित थे। इन दिनों समूचे राज्य में ठंडी का असर बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इस समय दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वहाँ से जो ठंडी हवाएं बहकर आ रही हैं, उस वजह से विदर्भ सहित समूचे महाराष्ट्र राज्य में ठंड धीरे धीरे अपना असर बढ़ाने लगी है। स्थानीय श्री शिवाजी कृषि विद्यालय द्वारा दर्ज की गई जानकारी के मुताबिक सोमवार 21 दिसंबर को अमरावती जिले में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहने की जानकारी प्राप्त हुई है। यह जारी सीजन में अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान है। तापमान के लगातार नीचे जाने की वजह से इन दिनों शहर सहित जिले में जगह जगह लोग बाग गर्म कपड़े पहने दिखाई दे रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में अलाव भी जलने लगे हैं। स्थानीय मौसम विज्ञानी अनिल बंड के मुताबिक अमरावती सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में आगामी सप्ताह भर ठंड का यह असर बना रह सकता है और तापमान और भी नीचे जा सकता है। जिले में ठंड का असर बढ़ते ही शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना सुबह कोहरे की घनी चादर दिखाई देने लगी है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र रहने वाले मेलघाट के धारणी और चिखलदरा में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वहां पर चहुं और पूरे दिन भर घने कोहरे की चादर दिखाई दे रही है। ठंड के लगातार बढ़ते असर की वजह से लोग बाग शाम ढलते ढलते अपने घरों में पहुँचना और गर्म कंबलों के बीच जाकर दुबकना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से शाम होने के बाद शहर की सड़कों पर काफ़ी हद तक सन्नाटा दिखाई दे रहा है। वहीं रोजाना सुबह कड़ाके की ठंड का मौसम रहने की वजह से लोगों की दिनचर्या भी काफ़ी विलंब से शुरू हो रही है। इस समय अमरावती शहर से जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में सीमेंट सड़कें पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी हैं और रिहायशी इलाकों की भीतरी सड़कों सहित एक इलाके से दूसरे इलाकों को जोड़ने वाली कनेक्टिंग सड़कें भी रात के समय स्ट्रीट लाइटों से जगमगा रही हैं। इस बात का पूरा श्रेय जिले के पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान उठाए गए कदमों को दिया जा सकता है। पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने अपने कार्यकाल में CRF फंड से 22,000 करोड़ रुपयों के निधि से अमरावती शहर से जिले में सीमेंट सड़कों के निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम शुरू करवाया था, जिसमें से करीब 350 करोड़ रुपये के काम अकेले अमरावती शहर में ही किए गए हैं, जिसकी वजह से आज कठोरा रेवसा, पंचवटी, नवसारी, चांगापुर, विद्यापीठ रोड तथा राजापेट बडनेरा रोड जैसे प्रमुख रास्तों के साथ साथ शहर के भीतरी इलाकों की सड़कें भी चकाचक और जगमग हो गई हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में CRF फंड से मोर्शी, चांदूर बाजार, परतवाड़ा, अंजनगांव,
व चिखलदरा तहसीलों की सड़कों का काम किया गया और करीब 3,000 करोड़ रुपयों की लागत वाले हाइब्रिड एन्यूटी के तहत भातकुली व चांदू रेलवे परिसर में शानदार सड़कें बनाई गई। इसी तरह जिले के ग्रामीण इलाकों में पालक मंत्री पगडंडी रास्ता योजना के तहत पक्की सड़कें बनाने का काम शुरू किया गया, जो आगे चलकर पूरे महाराष्ट्र राज्य में लागू हुआ। ऐसे में शानदार सड़कों और जगमग करती स्ट्रीट लाइटों की वजह से अमरावती को देखने पर किसी महानगर व मेट्रो स्तरीय शहर में रहने का एहसास होता है। विगत सप्ताह बाइक रैली निकालते हुए दिल्ली जाकर किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के बाद वापस लौटे प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कड़ू कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए मंगलवार 22 दिसंबर को मुंबई के बांद्रा परिसर स्थित अंबानी कॉरपोरेट हाउस का घेराव करने हेतु जा रहे हैं। इस हेतु बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से एक भव्य मोर्चा निकाला जाएगा। राज्य मंत्री बच्चू कड़ू के नेतृत्व में निकाले जाने वाले इस मोर्चे में राज्य माथाड़ी कामगार संगठन के अध्यक्ष बाबा अढ़ाऊ, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता मेधा पाटकर, स्वाभिमानी शेतकरी पार्टी के अध्यक्ष राजू शेट्टी, लोक संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष प्रतिभा शिंदे तथा शेतकरी कामगार पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल सहित प्रहार जनशक्ति पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष व प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। आगामी 31 दिसंबर से पहले संपत्ति खरीदी का पंजीयन कर मुद्रांक शुल्क भरने पर अगले 4 माह तक द्वयम निबंधक कार्यालय में जाकर 10 पंजीयन कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अधिक से अधिक नागरिकों को मुद्रांक शुल्क में सरकार की ओर से दी जाने वाली सहूलियत का लाभ मिले, इस बात के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। ज्ञात रहे कि 31 दिसंबर से पहले घरों की खरीदी पर 5% की बजाय केवल 2% मुद्रांक शुल्क लिया जा रहा है और सरकार द्वारा कोरोना काल एवं लॉकडाउन की वजह से मुद्रांक शुल्क में 3% की भारी भरकम छूट दी गई है। जरूरतमंदों को सहायता और अपने शहर व परिसर की स्वच्छता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए समाज जागृति का काम करने वाले कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा के 64वें पुण्यतिथि दिवस उपलक्ष्य में स्थानीय गाड़गे नगर परिसर स्थित गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के साथ ही शहर से जिले में विभिन्न धार्मिक व सामाजिक उपक्रम आयोजित किए गए और रक्तदान व अन्नदान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए संत गाड़गे बाबा को आदरांजलि अर्पित की गई। क्योंकि इस समय कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम एवं प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाएं जारी हैं, ऐसे में रविवार की रात 12:20 पर गाड़गे बाबा मंदिर में एक ऑनलाइन प्रार्थना सभा हुई। मंदिर संस्थान के विश्वस्त बापूराव देशमुख द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन सभा में गाड़गे बाबा के अनेकों अनुयायियों ने हिस्सा लेते हुए प्रार्थना की। इसी तरह गाड़गे बाबा पुण्यतिथि महोत्सव के दौरान गाड़गे बाबा मंदिर में लगातार भजन कीर्तन के साथ अन्नदान एवं वस्त्रदान के कार्यक्रम भी रोजाना आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मराठा सेवा संघ जीजाऊ ब्रिगेड व संभाजी ब्रिगेड की ओर से गाड़गे बाबा पुण्यतिथि महोत्सव पर एक समारोह आयोजित करते हुए रेवसा निवासी एक मृतक किसान के परिवार को 10,000 रुपयों की आर्थिक मदद प्रदान की गई। साथ ही जीजाऊ ब्रिगेड व संभाजी ब्रिगेड द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल भी बांटे गए। इसके अलावा बार्टी संस्थान की ओर से संत गाड़गे बाबा वृद्धाश्रम में एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए फल वितरण का कार्य किया गया। स्थानीय समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में इन दिनों विद्यार्थियों की भारी भीड़ देखी जा रही है और अपने कामों के लिए टोकन प्राप्त करने के लिए सुबह 7 बजे से विद्यार्थी यहाँ पर कतारें लगाकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। जाति वैधता प्रमाण पत्र की विभिन्न शैक्षणिक कामों में जरूरत पड़ती है, जिसके लिए विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में समाज कल्याण विभाग की ओर से कई तरह की त्रुटियां बताई जाती हैं, जिसे दूर करने के लिए विद्यार्थियों को समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में प्रत्यक्ष उपस्थित रहना ही पड़ता है। इन दिनों शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में विद्यार्थियों को जाति वैधता प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ रही है और शहर से जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से वास्ता रखने वाले विद्यार्थी कड़ाके की ठंड में सुबह 7 बजे से ही समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में टोकन प्राप्त करने के लिए जमा हो रहे हैं, जबकि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सुबह 10:30-11 बजे के आसपास कार्यालय पहुंचते हैं और उसके बाद यहां कामकाज शुरू होता है। तब तक सभी विद्यार्थियों को इंतजार करते हुए खड़े रहना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी उनका काम एक दिन में पूरा नहीं हो पाता और उन्हें यहां पर बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए शिक्षक विधायक पद के चुनाव में प्रत्याशी रहे शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष शेखर भोयर ने गत रोज वाशिम में बुलाई गई पत्रवार्ता में आरोप लगाया कि इस बार शिक्षक विधायक पद के चुनाव में करीब 5,000 फर्जी मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया, जिनमें शालाओं के लिपिक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ ही प्रयोगशाला परिचर व अस्पताल की नर्सों तक का समावेश रहा। इसके अलावा इस चुनाव में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हुआ है, ऐसे में उन्होंने निर्वाचन आयोग से बोगस मतदान की जाँच करने, इस हेतु जिम्मेदार व्यक्ति पर अपराध दर्ज करने तथा इस चुनाव और चुनावी नतीजों को खारिज करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस विषय को लेकर अदालत में एक रिट पिटीशन भी दाखिल की है। विगत मार्च माह में घोषित हुए ग्राम पंचायत चुनाव के समय इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा खोले गए बैंक खातों और उनकी पासबुक संबंधी दस्तावेजों को प्रशासन द्वारा इस बार चुनाव में मान्य नहीं किया जा रहा, ऐसे में अब नए सिरे से कराए जा रहे ग्राम पंचायत चुनाव को लड़ने वाले उम्मीदवारों को नए सिरे से बैंक खाते खोलने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें नाहक ही आर्थिक बोझ और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने मार्च माह में होने वाले चुनाव हेतु बैंक खाते खोले थे
उनके उन्हीं बैंक खातों और पासबुक को प्रशासन द्वारा ग्राह्य माना जाए, ऐसी मांग राज्य निर्वाचन आयोग से भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी दिगड़े और जिला महासचिव प्रवीण ताडे द्वारा की गई है। आदिवासी कोली महासंघ, आदिवासी कोली महादेव कर्मचारी संगठन तथा आदिवासी संघर्ष समिति द्वारा 31 दिसंबर 2019 के सरकारी आदेश का विरोध करते हुए इस सरकारी आदेश की जिलाधीश कार्यालय के सामने होली जलाएगी। साथ ही आरोप लगाया गया कि राज्य के विस्तारित क्षेत्र में 33 आदिवासी जमातियों के 1 करोड़ आदिवासियों की सरकार द्वारा हमेशा ही अनदेखी की जाती है और गत वर्ष 21 दिसंबर को ही समाज के कर्मचारियों पर अन्याय करने वाला एक GR जारी किया गया था, जिसके खिलाफ समूचे राज्य के आदिवासी कर्मचारियों द्वारा आंदोलन छेड़ा गया है, लेकिन बावजूद इसके विगत 1 वर्ष से सरकार इस मामले की अनदेखी कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ लाखों किसानों द्वारा दिल्ली की सीमा पर आंदोलन किया जा रहा है, जिसे समर्थन देने हेतु मराठा सेवा संघ की जिला शाखा द्वारा स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए अन्नत्याग सत्याग्रह किया गया। साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल के मार्फत देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय क्षेत्रीय तालाब को समूचे विदर्भ क्षेत्र का प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने की दृष्टि से बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष सतत प्रयास करते हुए ब्रिटिशकालीन क्षेत्रीय तालाब को शानदार पर्यटन क्षेत्र में तब्दील करने का काम शुरू किया था, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की विकास प्रारूप को मंजूरी दी गई और 25 करोड़ रुपए की निधि से कई विकास कार्य शुरू किए गए। इसके पहले चरण में यहाँ पर पार्किंग, फूड मॉल, जॉगिंग ट्रैक, छोटे बच्चों के खेलने हेतु साधन, म्यूजिकल फाउंटेन व चौपाटी आदि का कार्य तेज रफ्तार के साथ पूर्णता की ओर अग्रसर है। यहाँ चल रहे सभी विकास कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हों और 3 माह के भीतर इस पर्यटन स्थल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाए, इस आशय के निर्देश विधायक रवि राणा द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोड़े को दिए गए हैं। जिले में सोमवार 21 दिसंबर को कोरोना के 47 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 19,038 पर जा पहुंची। सोमवार को RT-PCR टेस्ट में 34 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 4 अल्पवयस्क बच्चों सहित 22 पुरुषों व 21 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 23 और ग्रामीण इलाकों के 24 लोग शामिल हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जिला शाखा द्वारा नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए देश के राष्ट्रपति के नाम स्थानीय जिलाधीश के मार्फत एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसान हितों के खिलाफ रहने वाले कृषि कानून अमल में लाए हैं, जिसका फायदा केवल उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को होगा। ऐसे में तीनों कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हाजी जफर अली द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अबू आसिम काजमी के आदेशानुसार पार्टी द्वारा अमरावती जिले में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही विकास के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ते हुए ग्रामीण क्षेत्र की जनता को किसान विरोधी कानूनों के सच से अवगत कराने का काम भी किया जाएगा। प्रहार जनशक्ति पार्टी के शहर प्रमुख बंटी रामटेके द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोड़े को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि स्थानीय ट्रांसपोर्ट नगर में 6 दिव्यांगजनों को व्यवसाय करने हेतु जो जगह मंजूर की गई है वह आने जाने के लिहाज से काफ़ी तकलीफदेह है, अतः उस जगह की बजाय इन 6 दिव्यांगजनों को शहर में अन्यत्र जगह उपलब्ध कराई जाए। इन दिनों शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने शहर को अपराध मुक्त करने हेतु तेज तरार रुख अपनाया हुआ है, जिसके तहत अवैध धंधों को बंद करने हेतु एक विशेष पुलिस पदक गठित किया गया है। इस विशेष पुलिस पदक द्वारा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलने वाले अवैध धंधों के खिलाफ जमकर छापामार कार्रवाई की जा रही है। इस स्पेशल स्क्वाड ने नागपुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत पठान चौक पर छापामार कार्रवाई करते हुए अमर वाठोड़कर व तौसीफ शेख नामक 2 लोगों को जुआ अड्डा चलाते हुए पकड़ा। साथ ही उनके पास से 5,000 रुपये का माल बरामद किया। इसके अलावा फ्रेजरपुरा व राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी अवैध जुआ अड्डे व शराब अड्डे पर छापा मारकर वहां से आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए काफ़ी सामान बरामद किया गया है। पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत वलगांव पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर नया अकोला रोड पर सतीनगर के पास जाल बिछाते हुए 2 मालवाहक वाहनों के जरिए की जा रही गोवंश तस्करी को रोकने और गोवंश पकड़ने में सफलता हासिल की। साथ ही 13 लाख रुपये के माल के साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में 9 बैलों को छुड़ाकर उन्हें जीवनदान दिया गया है। समीपस्थ दरियापुर रोड पर रास्ता पार कर रही एक बैलगाड़ी को पास देने हेतु सड़क पर खड़ी कार से पीछे से आ रही दुपहिया जाकर भिड़ गई और दुपहिया पर सवार 3 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद पता चला कि तीनों युवक शराब के नशे में बुरी तरह धुत थे, जिन्हें तुरंत ही इलाज के लिए इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुर्शी तहसील अंतर्गत अंबाड़ा गांव में बीती रात 3 अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलरी शोरूम और स्पेयर पार्ट की प्रतिष्ठान में छिनमारी करते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों डकैत CCTV कैमरा फुटेज में कैद हुए हैं, जिसके आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। अंबाड़ा गांव में अक्षय गणोरकर नामक व्यक्ति का राधाई ज्वेलर्स नामक प्रतिष्ठान है, जिसके बगल में एक स्पेयर पार्ट की दुकान है। इन दोनों दुकानों के ताले सोमवार की सुबह टूटे हुए दिखाई दिए, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। बडनेरा पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए मोटरसाइकिल पर शराब की बोतलें ले जा रहे एक युवक को अपनी हिरासत में लिया और इस युवक के पास से मोटरसाइकिल सहित करीब 37,000 रुपये का माल बरामद किया गया। हिरासत में लिए गए युवक का नाम
अभिषेक दारोकर बताया जाता है, जो बडनेरा की यूनिवर्सिटी गांधीनगर परिसर का रहने वाला है। वाशिम जिले के जिलाधीश कार्यालय परिसर में अनसिंह पुलिस थाने के पुलिस नायक अनिल भगत को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत मांगने के आरोप में हिरासत में लिया है, जबकि एक निजी वकील का कारकुन पांडुरंग नागरे मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक वाशिम जिले के गुंडी गांव में रहने वाले शिकायतकर्ता से 7 दिसंबर को अनसिंह पुलिस स्टेशन में धारा 498 में फाइनल FIR दाखिल करने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता ने इस मामले की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी थी। तलेगांव दशासर थाना क्षेत्र में आने वाले येरड गांव में एक ट्रैक्टर नाली में पलट गया। इस हादसे में येरड बाजार में रहने वाले योगेश विनोद खोड़के की मौके पर ही मौत हो गई। तलेगांव दशासर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। शहर के PDMC परिसर में आज एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। जानकारी मिली है कि जिस कार में यह आग लगी वह PDMC में कार्यरत डॉक्टर खरैया की थी। कार में आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग को बुझाया गया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।